देखिए, अगर किसी ऐसी जमीन पर बारिश बरसे जो ऊपर से बहुत सख्त है तो पानी बह जाएगा, जमीन में जज्ब नहीं होगा तो कोई रोइदगी पैदा नहीं होगी। अगर दिल सख्त है तो कुरान मजीद उन पर कोई असर नहीं करेगा। उसके लिए सबसे पहले मौइज़ा की जरूरत है, वाज की जरूरत है, नसीहत की जरूरत है, ताकि दिल नर्म पड़ जाए। इंसानी दिल जब सख्त होते हैं तो उनकी सख्ती चट्टानों से ज्यादा होती है। सूरह बकरा में फरमाया, सुम्मा कसत कुलूबकुम फहिया कल हिजारत अव अशद्द कसवा, यहूदियों से खिताब है, सुम्मा कसत कुलूबकुम मिन बाद ज़ालिका फहिया कल हिजारत अव अशद्द कसवा। ऐ बनी इसराइल, तुम्हारे इस तर्ज अमल के नतीजे में तुम्हारे दिल सख्त हो गए और अब वो पत्थरों से ज्यादा सख्त है। लिहाजा सबसे पहले जरूरत क्या है, दिल की जमीन को नरम किया जाए, इसमें हल चलाया जाए। यह काम है मौइज़ा का, वाज का, नसीहत का। हमारे माशरे में किसी जमाने में वाज का बड़ा रिवाज था, आजकल ये चीज खत्म हो गई, बल्कि वाज को घटिया बात समझा जाता है। भाई कोई अकली बात करो, कोई इल्मी बात करो, तुम तो वाज कह रहे हो, गोया कि वाज घटिया चीज है। नहीं, वाज से दिल में दिक्कत पैदा हो, नरमी पैदा होती। तो कुरान मजीद ही सबसे बड़ा मौइज़ा है। हमने बदकिस्मती से क्या किया, जब वास कहे जाते थे तब भी मसनवी मौलाना रूम से, ज़ईफ़ अहादीस से, वाइज दस्तान जनों अफसाना बंद, वाइज बड़े ऊंचे ऊंचे हाथ चलाकर और अफसाना जो है बयान कर रहा है। लेकिन उसका हाल क्या है, अज खतीबो दैलमी गुफ्तार वाजीफ और शाजो मुरसल कार, वो खतीब बगदादी या दैलमी की जो अहादीस है, जो सबसे घटिया दर्जे की किताबें हदीस की, सबसे कमतर दर्जे की किताबें हदीस की, ज़ईफ किताबों के यू समझिए कि बहुत बड़े मजमुए, वहां से वो हदीसें ला रहा है। ज़ईफ़ो शाज़ो मुरसल कारे हो, ज़ईफ हदीस, शाज हदीस, मुरसल हदीस से वो बयान कर रहा, कुरान से उसका कोई ताल्लुक। कुरान मजीद सबसे बड़ा वाज़ है। या अय्युहन नास क़द जाअतकुम मौइज़तुन, ये दिल को जब नर्म करता है तो फिर उसमें जज्ब होता है, ये सेकेंड स्टेप है उसका। और जब दिल में जज्ब होगा तो दिल के अंदर की बीमारियों को दूर कर देगा। दिल के अंदर की बीमारियां कौन सी हैं? थ्रोम्बोसिस नहीं, एंजाइना नहीं, वो और है। वो दिल की बीमारियां जिनके लिए कुरान शिफा है, वो है तकब्बुर, हसद, हुब्बे माल। ये हैं वो चीजें कि जो असल हैं, जो दिल के अमराज हैं। इन सब को जड़ से निकाल कर फेंक देगा कुरान। या अय्युहन नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फिस सुदूर व हुदन, और वो हिदायत है। इंफिरादी जिंदगी के लिए भी हिदायत है, इज्तिमाई जिंदगी के लिए भी हिदायत है। कभी अगर सूरह फातिहा पर आप गौर करें, जो हमारी नमाज का जुज़्व लाज़िम है, तो हम पहले कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये हिदायत तो हमें पहले ही मिली हुई है। फिर जो हम कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह को हमने पहचान लिया, उसे रब्बुल आलमीन मान लिया, उसे रहमान मान लिया, उसे रहीम मान लिया, उसे रोज जजा का हाकिम मुतलक मान लिया, तो अब कौन सी हिदायत रह गई? हिदायत तो आ गई। अब असल हिदायत जो दरकार है वो है जो रेलेवेंट है आज के दौर, जो इज्तिमाई निजाम है इंसानों का, इसके लिए इंसान बिल्कुल बेबस। उसकी अकल जो है इज्तिमाई निजाम अदल कायम नहीं कर सकती।
इंफिरादी तौर पर नेकी और बदी का इल्म मेरे और आपके नफ्स के अंदर वदियत सुना।